अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद की बेइंतहा खूबसूरत और कदीम मस्जिद एक मीनार मस्जिद नामपल्ली, जो तकरीबन 70 साल पहले इसको तामीर किया गया था। आज हम वहाँ पर यह देखने के लिए गए थे कि इसके इंतज़ाम कैसे किए जाते हैं, क्योंकि ये बात मशहूर है कि नामपल्ली की जो एक मीनार मस्जिद है, साफ़ सफ़ाई का बेहतरीन ख्याल रखा जाता है और बहुत ही उम्दा मेंटेनेंस है इस मस्जिद का। और इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि सोलार सिस्टम के तहत यहाँ पर करंट सप्लाई किया जाता है। उसकी वजह यह है कि ताकि पैसे की बचत हो, करंट का सही इस्तेमाल हो और 24 घंटे इस्तेफादा हासिल कर सकें, इस नीयत से सोलार सिस्टम को किया गया है मस्जिद कमेटी की जानिब से। इस मस्जिद के सदर साहब अय्यूब हुसैनी साहब है, जो कस्टम ऑफिसर भी है और पिछले 3 साल से इस मस्जिद की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मस्जिद का तफसीली मुआयना करवाया हमको साथ लेकर। मस्जिद बेइंतहा खूबसूरत है, देखने से ताल्लुक़ रखती है, नामपल्ली चौरस्ते पर है, बिल्कुल सामने अनीसुल कुरबा की नई बिल्डिंग तामीर हो रही है, करीब में नामपल्ली रेलवे स्टेशन है जिसको निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने बनवाया था, और दारुसलाम रोड पर यह मस्जिद है। इस मस्जिद में हमने देखा कि 25 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं मस्जिद के चारों जानिब विद साउंड के साथ, तो बेहतरीन मेंटेन किया जा रहा है इसको। और आमतौर पे देखा यह जाता है कि मस्जिद के इमाम और मौज़न को मुनासिब तनख्वाह नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल मुनासिब और यूँ समझो बहुत कम देखने में आता ऐसी इमाम और मौज़न हजरात की तनख्वाहें रखी गई है। मेंटेनेंस के लिए अच्छा स्टाफ है और कमेटी बड़ी लाजवाबी के साथ बेमिसाल खिदमत अंजाम दे रही है। तो मैं आपको सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक मीनार मस्जिद का मेंटेनेंस देखने के लिए एक मरतबा ज़रूर जाएं। वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा, सोलार सिस्टम, साफ़ सफ़ाई का जो ख्याल रखा गया है, 1:30 बजे जुमे की नमाज़ होती है वहाँ पर, मस्जिद पूरी भर जाती है। और सबसे ख़ास बात मैंने जो देखा, मस्जिद सुबह से लेकर इशा तक खुली रहती है। आमतौर पर अक्सर नहीं होता कि नमाज के वक्त खोलते हैं बंद करते हैं, लेकिन सारा दिन मस्जिद मुसल्लियों के लिए खुली रहती है, क्योंकि ये बाज़ार में है, मार्केट है, नामपल्ली की मार्केट में मस्जिद होने की वजह से लोग आराम करते हैं, आकर अपना टिफ़िन लेकर आकर खाते हैं और ज़रूरत से फारिग होने के लिए तरह तरह की वहाँ पर सहूलत रखी गई है। तो ये बेहतर होता है कि बाज़ारों में जो मस्जिद है, मार्केट में जो मस्जिद है, इस तरह सुबह से शाम तक खुले रहें, ताकि मुसल्लियों के लिए, मुसाफिरीन के लिए, रास्ते से गुज़रने वालों को सहूलत हो सके। हमको भी चाहिए कि इस तरह आप जिस मस्जिद में के खादिम हो, ज़िम्मेदार हो, सदर हो, उन्हें भी चाहिए कि इस तरह के इमाम मौज़िन की तनख्वाह रखें, साफ़ सफ़ाई का ख्याल रखें, हो सका तो सोलार सिस्टम का भी इंतज़ाम करें। सीसीटीवी कैमराज तो इस वक्त लाजमी है और पुलिस का भी ऑर्डर है कि सिक्योरिटी की बुनियाद पर सीसीटीवी कैमरे का इंतज़ाम करें। तो मैं काबिल मुबारकबाद है अय्यूब हुसैनी साहब और उनकी पूरी टीम, मस्जिद की कमेटी, जो इतना बेहतरीन इंतज़ाम करे हैं एक मीनार मस्जिद का, अल्लाह की रहमत हो इंतज़ामी कमेटी पर। अबू अमल।